रस्मी अदादारी आदत है, इबादत नहीं है। क्या आदतन मुहर्रम का चांद नजर आ गया, मजलिस को वैसे सुननी है मुझे, मजलिस में नहीं जाऊंगा। चार लोग पूछेंगे कहां गए थे, किसकी मजलिस सुनी थी, क्या कहूंगा, घर बैठा हुआ था। तो सोशल प्रेशर आएगा, अरे कैसे शिया मजलिस में नहीं गए। तो आदतन मजलिस में जाता हूं और बताता हूं फला की मजलिस में जाता। अच्छा, कुछ लेने नहीं जाता, एक घंटा एक आदत को पूरा करके वापस आ जाता है। वरना 60 साल मेरी जिंदगी के गुजर गए, 40 साल गुजर गए, आज मेरी सोसाइटी में बदलाव क्यों नहीं, आज मेरी फैमिली में बदलाव क्यों नहीं, आज मेरी सोच में बदलाव क्यों नहीं, क्योंकि मैं आदत का पुजारी हूं, इबादत का नहीं। आदतन अजान देता था, लोग एहतराम करते थे, नमाज पढ़ता था, कुछ मिल रहा है ना। बड़ा सख्त होता है कि आप मुत्तकी रहें, आबिद रहें और कुछ भी ना मिले। कुरान की आयत ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा। हमारे अंबिया जब तबलीग दीन के लिए जाते थे, फरमाया कभी लोगों से थैंक यू की तवक्को ना रखना, शुक्रिया की तवक्को ना रखना, जजा की तवक्को ना रखना। जब ये मेंटेलिटी बनाकर जाओगे तो कभी दुख नहीं होगा। बिल्कुल ये मेंटेलिटी बना के जाओगे, मैं लोगों में तबलीग करने जाऊंगा, जजा की तवक्को नहीं, शुक्रिया की तवक्को। जब तवक्को होगी नहीं तो दुख कैसा है। उस खतीब और उस मौलवी को दुख होता है जो तवक्को रख के जाता है। अब जो अगला बंदा तवक्को पे उतरता नहीं, तुझे नाराज हो जाता है। का जजा की तवक्को खुदा से रखना जो अहसन जजा देने वाला है। दुनिया वाले जो देंगे वो अल्लाह के मुकाबले में क्या है। किसी को मैंने कहा यजीद को लानत क्यों भेजते हो, क्या मौलाना उस पर अजाब ना दे दो। मैंने कहा यही तो तुम्हारा मसला है, आज तक लानत को नहीं समझा। मैंने कहा जो लानत खुदा ने भेजी, अल्लाह का अजाब बड़ा या तेरा अजाब, जिस अजाब पे खुदा ने उसे मुबतला किया है वो अजाब कितना बड़ा है। मेरी छोटी सी लानत ये ऐसे है कि मच्छर काट ले, वो यजीद के लिए क्या है। मैंने कहा वो तो अशद्दुल अजाब और इकाब पे मुबतला है। लानत का मतलब यह है कि तू खुद को यजीद के अजाब से बचा, कि जिसकी वजह से यजीद लानती बना अजाब पे मुबतला है। शहीद मुतहरी का जुमला है कि मुझे डर है कि कहीं मैं अपने साध न बन जाऊं। इस चीज से डरा करो कि कहीं मैं यजीद न बन जाऊं, कहीं मैं शिमर न बन जाऊं। पर मैं सो सो मरतबा लानत भेज, लानत तेरे वजूद में नफरत को बढ़ाती है। लफ्ज यजीद से नहीं, किरदार यजीद की नफरत पैदा कर। सो मरतबा लानत भेज, लानत हो उस पर जो जालिम था, लानत हो उस यजीद पर जो जालिम था, लानत उस यजीद पर जो जालिम था। इस बच्चे को सो मरतबा तस्बीह पढ़ा के लानत हो उस पर जो जालिम था। ये बच्चा जब जवान होता जाएगा इसके वजूद में जुल्म की नफरत बढ़ जाएगी। अब ये जहां पर जुल्म को देखेगा दूरी करेगा, कहेगा नहीं मैं हुसैन का मानने वाला हूं, जुल्म नहीं कर रहा। ये कैसा शोहर है जो यजीद पे लानत भी भेजे बीवी पर जुल्म भी करे। ये कैसा बाप है कि यजीद पे लानत भी भेजे अपनी कम्युनिटी पे जुल्म भी करे। ये कैसा मोमिन है कि अपने साथ पे लानत भेजे जिसने जमीन के टुकड़ों के लिए हुसैन को भेज दिया। ये कैसा मोमिन है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जबान पर नाम हुसैन का हो लेकिन रविश यजीद की हो। होता है पंजाब में कसीदा हुसैन का धुन इंडिया के गाने की, यानी नाम हुसैन का रविश किसकी है। अल गिना अशद्दु मिनज़्ज़िना, हुसैन के जिक्र को जिना से मिला दे। इससे बड़ा बदबख्त, इससे बड़ी तोहीन करने वाला, इससे बड़ा नादान। क्यों? क्योंकि माश को मजबूत करना जिक्र से मोहब्बत नहीं है, माश से मोहब्बत है। आज मौलवी और जाकिर का झगड़ा बुनियाद माश है। उसको पता है मौलवी ज्यादा बढ़ गए तो मुझे कौन सुनेगा, मुझे नहीं सुनेगा तो माश कैसे बनेगा। ये बकाए हुसैन नहीं, बकाए विलायत नहीं, ये बकाए माश की जंग है। ताजियों पे झगड़े होते हैं, मेरे घर से निकलेगा, मेरे घर से निकलेगा, मैं पुराना तू नया। क्यों? क्योंकि इस ताजिए में माश पड़ता है, इसमें पैसे पड़ते हैं, इसमें चांदी और सोना पड़ता है। अल्लाह ये देखना चाहते तेरे दिल में मोहब्बत किसकी है। शेख सना आलिम है अहले सुन्नत का, मुअज्जिन भी है, इमाम जुम्मा जमात भी है, मस्जिद का खादिम भी है। मीनार पे गया क्योंकि कयामत का नजरिया कमजोर था। शैतान तुम्हारी वीक पॉइंट पे काम करता है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी कौन सी। तभी फरमाए मोमिन जब से बालिग हुआ अपना कोई आईना बना। अल मोमिन मिरातुल मोमिन, तुम्हारा आईना कौन है।
एक आईना वो जो तुम्हारे जिस्म के उयूब को बताता है, एक आईना वो जो तुम्हारे बुरी आदतों को बताता है। मौलाना क्या मतलब? मैंने कहा कोई आईना तो ढूंढ। कहा मौलाना आईना कहां से ढूंढ? किसी खालिस मोमिन को आईना बना है कोई तुम्हारा दुनिया में आईना जिसको बिठाओ हफ्ते में नहीं तो महीने में नहीं तो 6 महीने में एक बार पूछो मेरी कौन सी आदत आपको बुरी लगती है, मेरा अखलाक, मेरी रफ्तार, मेरा किरदार कौन सी चीज है, उसको आईना बना और उससे पूछ। हुब्बे जात इतनी मैं किसी से पूछने के लिए तैयार नहीं। आज तक किसी शोहर ने बीवी से पूछा कि आप मेरी जोजा है, आप मेरा बेहतरीन आईना है, मुझे बताइए मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। आज बीवी बुराई बताए तो शोहर गुस्से में आ जाता है। वो इंसान पागल नहीं है कि आप आईने पे अपना चेहरा देखो और यहां पे कालक हो और एक निशान हो और आईने को बॉक्स मार के तोड़ दो, पंच मार के तोड़ दो, तुम मेरे चेहरे को काला दिखा रहे हो। वो तो तुम्हारा एहसान कर रहा है कि तुम्हें तुम्हारा आय बता रहा है, लेकिन बिल्ली की तरह उसको नोचते रहो कि तुम मुझे बता क्यों रहे हो, तुम मुझे कह रहे हो कि मुझ में तकब्बुर है, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बदअखलाक हूं, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं गीबत करता हूं, तुम मुझे कह रहे हो कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है। हम दुश्मन बन जाते हैं उसके, जबकि वो एहसान कर रहा है, मेरी खबर को बना रहा है, मेरी आखिरत को बना रहा है। क्या ये लॉजिकल पागल इंसान नहीं है? आईना दिखाए कि तुम्हारे मुंह पे कालक है और आईने को तोड़ दे, फिर दूसरा आईना दे, वो भी तुम्हें यही दिखाएगा, तीसरा वो भी तुम्हें। जब तक इस कालक को साफ नहीं करोगे तब तक आईना सही नहीं बताएगा। से मिला दे।